तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे अगर आप, तो पहले चेतावनी दी जाती है और चेतावनी के बाद बसों में कार्यकर्ताओं को भरने के सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से पहले वार्निंग दी गई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रदर्शन, कैसे बैरिकेड के उस पार प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में तख्तियां बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो मुस्तैदी से डटे हुए हैं, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी दोनों यहां पर डटे हुए हैं यहां पर स्थिति को संभालने के लिए। उनके साथ ही और भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली मुंबई। हालांकि प्रदर्शन जो है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी जहां जहां देश भर में है वहां वहां कर रही है, चाहे पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया, कई जगहों पर उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें जो आ रही है वहां पर झड़प जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए यहां से बकायदा अनाउंसमेंट किया, और इस अनाउंसमेंट में कहा गया कि अब इजाजत नहीं है और अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, पुलिस प्रशासन को अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, वो हो भी रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या कंट्रोल में और कितनी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया? देखिए बिल्कुल अंदाजा था, और ऐसा नहीं कि पहली बार आम आदमी पार्टी का, देखिए आपको फिर एक बात, फिर शायद झड़प की स्थिति हो रही है, कुछ और नेताओं को पुलिस उठा करके ले जा रही है, तो वो भी थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ताकि उनको पता है कि ऑप्टिक्स की लड़ाई है, राजनीति ऐसी होती है। तो पुलिस ने व्यवस्था तो की थी, और खासकर जब सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को हाजिर होना था तब भी खुद पार्टी के सांसद, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, कुछ विधायक पहुंच गए थे, उन सबको उसके बाद आपने देखा कि थाने ले जाया गया, उनको वहां हिरासत में ले लिया गया। लेकिन आज जब प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था तब ये संभावना थी कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, और इसीलिए अगर मैं ये कहूं कि यहां एक कार्यकर्ता के ऊपर कम से कम 5 पुलिस वालों जितना जो है ये इस औसत में डिप्लॉयमेंट किया गया था तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि 150 मीटर की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है और वहां चूंकि जेपी नड्डा खुद मौजूद होंगे दोनों, अगर ये वहां पहुंच जाते हैं कहीं पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो तो पुलिस की ओर से सीआरपी, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, वज्र वाहन, ड्रोन, सब कुछ तैनात किया गया था, और इतनी ज्यादा कि पार्टी दफ्तर का चारों हिस्सा, जो चारों कोने आप कह लीजिए, उनको इस तरह सील किया गया था कि यहां तो पहुंचने की अनुमति दी गई कि आप आइए क्योंकि प्रदर्शन है, इससे आगे कहीं नहीं जा सकते। बहुत सारे नेताओं को जिनको हिरासत में लिया गया था उनको भी छोड़ दिया गया था ताकि वो भी जो है पहुंच सके। तो अब जिनको हिरासत में लिया गया, लगभग 200 कार्यकर्ता, फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि 200 के लगभग कार्यकर्ता और विधायक हैं जो अब खुद भी, इन्हें हिरासत में लिया गया या फिर खुद ही बसों में बैठकर जा रहे हैं, लेकिन 10 से 12 गाड़ियां हैं, पुलिस कह रही है जिनको भी जाना चाहिए बैठ करके, हिरासत की जो कार्यवाही होती है उसके बाद सबको वहां जमानत देकर छोड़ दिया जाता है। और यहां पर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, आप देखिए कि किस तरह से लोग बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जो कार्यकर्ता वो यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि मंच लगाया गया था कि यहाँ से संबोधन भी होगा, लेकिन सबसे पहले लाउड स्पीकर ही सीज किया गया कि यहाँ पर किसी तरह के संबोधन की अनुमति नहीं है, और सीज करने के बाद इन्हें कहा गया कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन था भले वो आधा एक घंटा और ये लोग यहाँ पर रहे, लेकिन जो आक्रामक प्रदर्शन था वो लगभग थम गया है। फिलहाल पुलिस भी जो है काफी पीछे हट चुकी, इनको इनके इलाके में, ये रहा दफ्तर, ये उसके सामने का इलाका है जहाँ पर स्टेज भी लगाया गया था, तो अब ये ज्यादातर कार्यकर्ता जो है वो अपने इसी इलाके में सीमित हो चुके हैं। यहीं पर थोड़ी देर की और नारेबाजी है, क्योंकि उसके बाद जाहिर है सबकी नजर होगी कि आखिर अदालत में जब राउत जवेरी कोर्ट मनीष सिसोदिया की पेशी होगी तो वहां क्या होगा। और अब धीरे धीरे यहां तक ये देखिए कई सारे लोग हैं जो आप धीरे धीरे जाने लगे हैं, जो मकसद था एक सांकेतिक प्रदर्शन था, जो विरोध दर्ज करना था वो कर लिया है, तो जाहिर अब उसके बाद जो है सबकी नजर होगी कि आखिर कानूनी राह आगे क्या निकलती है। शुभम जी।